students, good morning. शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय के काव्य खंड से एक अन्य पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हमारे प्रसिद्ध कवि है जयशंकर प्रसाद जी। उन जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है कामायनी। कामायनी से कुछ अंश यहाँ पर संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक है पुनर्मिलन। ठीक है, तो आज मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, ये पाठ पढ़ाने से पहले मैं यहाँ कामायनी के संबंध में कुछ चर्चा कर लेना चाहती हूँ। तो बच्चों, प्रसाद जी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी, इसकी जो कथा है, इसमें क्या दिया गया है कि हमारी जो मानव संस्कृति आज है, इसके पहले इस संसार में देव संस्कृति थी, और देव संस्कृति का जब विनाश हुआ, कैसे, जब प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात जब देव संस्कृति का विनाश हो गया, तो उसके पश्चात नई संस्कृति का किस प्रकार से विकास हुआ, तो उसके विकास की कथा यहाँ पर क्रम से वर्णित है। तो देव संस्कृति के विनाश के पश्चात जो कामायनी के नायक है मनु, मनु अत्यंत दुखी और निराश होकर के हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठे हुए हैं। उसी समय जो कहा है, जो नायिका है, जिसका नाम कामायनी ही कह सकते हैं, या श्रद्धा, तो श्रद्धा भटकते हुए मन के समक्ष पहुंचती है। इस प्रकार से मन और जो श्रद्धा है वो विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात उनकी संतान होती है, जिसका नाम है मानव। जो श्रद्धा है अपने पुत्र के लालन पालन में व्यस्त हो जाती है और मन की उपेक्षा करने लगती है। तो स्वयं को उपेक्षित देख करके मन उठ जाते हैं और उठकर वहां से चले जाते हैं। मन के जाने के पश्चात एक दिन श्रद्धा स्वप्न में देखती है कि मन किसी स्थान पर घायल स्थिति में पड़े हुए हैं। तो वह अपने पुत्र को लेकर के मन को खोलने के लिए निकल पड़ती है। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये पुनर्मिलन शीर्षक पढ़ाने से पहले मैं इसके जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी, उनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों की यहाँ पर चर्चा कर लेती हूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म है वो सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी है। तो काशी में सोहनी साहू नाम का एक धनाढ्य धनवान वैश्य परिवार था। तो उस वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1937 ईस्वी में हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं में, उनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, उनमें से कामायनी, जो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसके साथ साथ इनकी अन्य रचनाओं में आंसू, लहर, झरना, कालन कुसुम, चित्राधार, जो चित्राधार रचना है ये इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है और इनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है। इसके बाद इनके जो प्रमुख नाटक हैं, उनमें से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ,
इत्यादि इनके प्रमुख नाटक हैं। उपन्यास में इनके तीन उपन्यास प्रसिद्ध हैं, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका जो उपन्यास है वो पूर्ण नहीं हो पाया था, ये अपूर्ण है। इसके बाद कहानी संग्रह में उनकी जो कहानी संग्रह है, आकाश की आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। निबंध में काव्य कला और काव्य और कला इनका निबंध है। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन में कामायनी महाकाव्य पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। प्रसाद जी छायावाद के मुख्य प्रवर्तक माने गए हैं। प्रसाद जी छायावाद के उत्कृष्ट नाटककार और कहानीकार भी हैं। तो ये छायावादी युग के कवि भी हैं और शुक्ल युग के लेखक माने गए हैं। तो इसके बाद हम मैं आपको शीर्षक पढ़ाऊंगी, पुनर्मिलन। इसमें वर्णन किया गया है कि प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जब श्रद्धा स्वप्न में मन को घायल स्थिति में पड़ा हुआ देखती है तो वह अपने पुत्र को जिसका नाम मानव है उसे लेकर के उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और भटकते हुए सारस्वत नगर पहुंचती है। तो वहां की जो राजकुमारी है वो अपने कक्ष में बैठी हुई है और विचारों में डूबी हुई है। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है कि चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूर आकर ध्वनि सुनती इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है। तो कवि कहता है कि सारस्वत नगर की जो राजकुमारी थी वो अपने कक्ष में भविष्य के विचारों में डूबी हुई बैठी हुई थी और अचानक चौंक उठी, चौंक जाती है क्योंकि कुछ दूरागत ध्वनि सुनी, क्योंकि उसे दूर दूरागत माने दूर से आती हुई कुछ कोई ध्वनि माने करुण ध्वनि या करुण स्वर सुनती माने सुनाई पड़ता है, क्योंकि उसे दूर से आता हुआ किसी स्त्री का करुण स्वर सुनाई पड़ता है। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है, वह क्या सुनती है कि इस निस्तब्ध माने शांत रात्रि में मानो कोई स्त्री करुण स्वर में कहती हुई चली आ रही है। वह क्या कह रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कि अरे कोई मुझ पर दया करके मुझे बता दो कि कहां प्रवासी है मेरा, कि मेरा जो प्रवासी पति है वो कहां पर है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, उसी पगले से मिलने के लिए मैं डाल रही हूँ मैं फेरा माने मैं यहाँ पर चारों ओर भटक रही हूँ। बच्चों कैसे देखें जो कीड़ा है वो अपने कक्ष में बैठी हुई है और विचार में डूबी हुई है कि अचानक कीड़ा चौंक उठती है कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, क्योंकि उसे दूर से आती हुई किसी नारी की करुण ध्वनि या करुण स्वर सुनाई देने लगता है। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है, उसे क्या सुनाई देता है कि इस शांत रात्रि में मानो कोई यह कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कि अरे मुझ पर दया करके मुझे कोई यह बता दे कि कहाँ प्रवासी है मेरा, मेरा जो प्रवासी माने परदेसी, मेरा जो परदेसी पति है वो कहाँ पर है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं तेरा, मैं उसी पगले से मिलने के लिए यहाँ चारों ओर भटक रही हूँ। तो बच्चों इसमें
कागर सौंदर्य में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर योग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर श्रद्धा की विरह व्यथा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद कला पक्ष में भाषा में तत्सम शब्दावली साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शैली में भावात्मक शैली है और शब्द शक्ति में लक्षण शब्द शक्ति है, गुण में प्रसाद गुण हो जाएगा, रस में योग श्रृंगार हो जाएगा और छंद में छंदबद्ध कविता लिखेंगे। अलंकार में अनुप्रास अलंकार लिखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, रूठ गया था अपने पद से अपना सखी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला बनाती किसको मैं। यहाँ पर श्रद्धा अपनी जो मनोव्यथा है वो व्यक्त करते हुए कहती है कि रूठ गया था अपने पद से, कि मैं उसे तो अपने पर माने अपना समझती थी और इसी कारण मैंने उसकी उपेक्षा की थी, लेकिन फिर भी वह मुझसे रूठ गया। अपना सखी न उसको मैं, लेकिन मैं उसको अपना नहीं सकी, उस रूठे हुए पति को मना नहीं सकी। वह तो मेरा अपना ही था, मैंने उसे इसलिए नहीं मनाया था कि मैं उसे अपना समझती थी और उसी अपने पन के कारण मैंने उसको मनाना उचित नहीं समझा था, भला मनाती किसको मैं। तो जब मैं उसे अपना अपना ही समझती थी तो मैं भला उसे कैसे मनाती और क्यों मनाती। यही फूल अब फूल सदस हो साल रहे उनमें मेरे, तो मैंने ये बहुत बड़ी भूल की थी कि मुझे उसे मना लेना चाहिए था, लेकिन जो मैंने भूल की थी अब यही भूल शूल सदस कांटे के समान बन करके साल रही मुझे चुभ रही है, मुझे कष्ट दे रही है। उनमें माने मेरे रहने में कि जो मैंने भूल की है वही भूल अब कांटे के समान मेरे हृदय में चुभन उत्पन्न कर रही है, मुझे दुखी कर रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कहने। श्रद्धा क्या कहती है कि कोई आकर के मुझे ये बता दे कि मैं अपने उस भूले हुए पति को कैसे दोबारा प्राप्त करूं। इसके बाद इसमें काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में पहला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर श्रद्धा की दीनहीन दशा का और उसकी विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर श्रद्धा के मन में उत्पन्न जो पश्चाताप है उसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसके बाद कला पक्ष में भाषा में तत्सम शब्दावली साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शैली में भावात्मक शैली है, शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण में प्रसाद गुण हो जाएगा, रस में यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार लिखेंगे और छंद में छंदबद्ध कविता लिखेंगे। अलंकार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, तेरा उनकी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसे जलती, शिथिल शरीर वसन के श्रृंखल कबड़ी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई गई। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब केड़ा ने नारी का करुण स्वर सुना तो उत्सुकता बस वह देखने के लिए उठी कि कौन चला आ रहा है।
जब उसने श्रद्धा को देखा तो उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि कहता है इरा उठी कि जब इरा ने दूर से आते हुए किसी नारी के करुण स्वर को सुना तो वह अपने स्थान पर उठकर खड़ी हो गई, दिख पड़ा राज था और उसे अपने सामने राजपथ दिखाई देने लगा, राजमार्ग दिखाई देने लगा, धुंधली सी छाया चली और उस राजमार्ग पर उसने एक धुंधली सी छाया चलते हुए देखी। वाणी में थी करुण वेदना और वह जो धुंधली सी छाया थी किसी नारी की छाया थी और उस नारी की वाणी में बड़ी ही करुणा और दुख व्याप्त था। वह पुकार जैसे जलती और उसकी जो करुण पुकार थी वो विरह व्यथा से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वह नारी विरह में डूबी हुई हो और व्यथित होकर के पुकार रही हो। शिथिल शरीर वसन विश्रम्भर, वह स्थिति कैसी दिखाई दे रही थी? शिथिल शरीर, उसका जो शरीर था शिथिल थका हुआ प्रतीत हो रहा था। वसन विश्रम्भर और उसके जो वस्त्र थे वो विश्रम्भर माने अस्त व्यस्त थे। कबरी अधिक अधीर हुई और अधिक अत्यधिक अधीर माने व्याकुलता के कारण उसकी कबरी माने जो चोटी थी वो खुली माने खुलकर बिखर गई थी। तो अत्यंत अधीरता व्याकुलता और दुख के कारण उसकी चोटी खुलकर बिखर गई थी। छिन्न पत्र मकरंद टूटी सी जो मुरझाई हुई गई कि वह स्त्री ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि जो मुरझाई हुई गई, जैसे कि कोई मुरझाई हुई कली, जिस कली के छिन्न पत्र जो पत्ते हो वो बिखर गए और मकरंद लुटी सी, और जिस कली का मकरंद माने पराग लुट गया। तो बिखरे हुए पत्तों वाली और लुटे हुए पराग वाली उस कली के समान वह स्त्री दिखाई दे रही थी। तो इसमें काव्य का सौंदर्य में पहले भाव पक्ष में पहला पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर इड़ा की उत्सुकता का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे श्रद्धा की दीनहीन दुखद स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। कला पक्ष में भाषा में तत्सम शब्दावलीयुक्त साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। शैली में भावात्मक शैली है। शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण में प्रसाद गुण है। रस में वियोग श्रृंगार है, करुण रस भी लिख सकते हैं। और छंद में छंदबद्ध कविता हो जाएगी। अलंकार में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं और अनुप्रास के साथ साथ छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली, यहाँ पर मां अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आगे दिया गया है कि नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर कुंडली पकड़े चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, थके भूखे दुखी बटोली वे चोरों की माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर ले थे। तो यहाँ पर श्रद्धा के साथ उसका पुत्र मानव भी था, वह भी बड़े ही शांत भाव से अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए चला आ रहा था, इसी का वर्णन किया गया है। तो कवि कहता है कि न कोमल अवलंब साथ में, कि अवलंब माने सहारे के रूप में जो श्रद्धा थी, न कोमल अत्यंत कोमल शरीर वाले वह किशोर, बहुत ही कम उम्र वाले अपने पुत्र को अपने साथ लिए हुए थे। तो वह उसका जो किशोर पुत्र था उंगली पकड़े,
अपनी मां श्रद्धा की उंगली पकड़े हुए था चला आ रहा मौन धैर्य सा, और वह मौन बड़े ही शांत होकर के धैर्य सा धैर्य की प्रतिमूर्ति बना हुआ अपनी मां के साथ धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। अपनी मां को जगले और वह अपनी मां को बड़े ही मजबूती से पकड़े हुए था, थके हुए थे उनकी बटोही। तो कवि कहता है कि वो जो दोनों बटोही माने पथिक थे, वो बड़े ही थके हुए दिखाई दे रहे थे। वे दोनों ही माँ बेटे, तो वे दोनों माँ और पुत्र बड़े ही दुखी और थके हुए दिखाई दे रहे थे। खोज रहे थे भूले मन को, वे दोनों ही मन की खोज कर रहे थे, जिस मन ने उन दोनों को भुला दिया था, जो घायल होकर लेटे और जो मन घायल स्थिति में इसी स्थान पर पड़े हुए थे, उन्हीं मन को दोनों खोज रहे थे। तो इसमें काव्य का सौंदर्य में पहला पॉइंट लिखेंगे श्रद्धा की विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर श्रद्धा और उसके पुत्र की मना स्थिति का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, और इसके बाद कला पक्ष में आएंगे। कला पक्ष में भाषा में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शैली में भावात्मक शैली है, शब्द शक्ति में लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, गुण में प्रसाद गुण हो जाएगा, रस में वियोग श्रृंगार हो जाएगा, और छंद में छंदबद्ध कविता है। अलंकार में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस में करुण रस हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे का भाग मैं आगे के वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।